मुजफ्फरपुर में बंगाली समुदाय की ओर से हरिसभा स्कूल में 1902 से दुर्गा पूजा हो रही है। देश की पराधीनता के वक्त दुर्गा पूजा की शुरुआत देश भक्तों को संगठित करने का माध्यम था। नवरात्र के 9 दिनों तक लोग यहां एकजुट होते थे और मां की पूजा के साथ आंदोलन की नीति भी बनाते थे। उस दौरान बंगाली समाज काफी एक्टिव था। पूजा की शुरुआत के दूसरे साल 1901 में यहां कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का नागरिक सम्मान किया गया। उस दौरान कमलाचरण मुखोपाध्याय, रमेश चंद्र राय, केशव चंद्र बसु, प्यारे मोहन मुखोपाध्याय, प्रभाष चंद्र बंदोपाध्याय, बीनी माधव भट्टाचार्य व ज्ञानेंद्र देव काफी सक्रिय थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष पर बंगाली समुदाय के द्वारा मुजफ्फरपुर के हरिसभा चौक हरिसभा मध्य विद्यालय में स्थापित प्रतिमा के नेत्रपट शुक्रवार को पूजा अर्चना के बाद खोल दिए गए। इसके बाद जगत जननी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। यहाँ पर बंगाली विधि से माता की पूजा की जाती है। हरिसभा चौक स्थित मध्य विद्यालय के प्रांगण में इस बार बंगाली समाज ने 122वां दुर्गा पूजा समारोह आयोजित किया है। हरिसभा दुर्गा पूजा समिति के मीडिया प्रभारी अनिकेत घोष ने बताया कि यह पूजा बंगाली समुदाय के लोगों द्वारा वर्ष 1901 से लगातार मनाया जा रहा है। इस वर्ष माँ दुर्गा की प्रतिमा 12 फीट की है, जिसका दर्शन भक्तजन आज से कर पाएंगे। षष्ठी पूजा के दिन संध्या में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तत्पश्चात सप्तमी से नवमी तक हर रोज समिति द्वारा प्रसाद तथा भोग का वितरण किया जाएगा। प्रतिदिन संध्या में संध्या आरती के साथ धनुचि नृत्य का आयोजन किया जाएगा, जो कि इस पूजा का मुख्य आकर्षण है। उन्होंने बताया कि इस बार बंगाल से कुल 6 डाक वादक शांति निकेतन से आए हैं। हरिसभा दुर्गा पूजा समिति प्रत्येक वर्ष बंगाली पूजा पद्धति से पूरे विधि विधान के साथ दुर्गा पूजा करती है। एक 122 साल की पूजा कर रही है, सबसे प्राचीन पूजा, और अपने टाइमिंग और अपने सब चीज़ के लिए फेमस है। सबसे पुरानी पूजा है और यहाँ सप्तमी से लेकर नवमी तक खिचड़ी का प्रसाद लोगों को खिलाया जाता है, प्रसाद वितरण होता है। और आज का मुख्य आकर्षण है बिना कंसर्ट महिला क्लब द्वारा एक ठग पुराण नामक नाट्य संचालन आज होगा। माता जी का आँख खुल दिया गया है जी, षष्ठी के दिन हम लोग के यहाँ माता जी का आँख खुल जाता है। बंगाली पद्धति से ये पूजा होती है, कितने दिनों तक चलती है? ये षष्ठी से शुरू होकर विजयादशमी दशमी के दिन तक, और दशमी को 3 बजे हम लोग का भसान हो जाता है, विसर्जन हो जाता है। हम लोग का 1902 में ये पूजा शुरू हुआ था। इस बार हम लोग 122वां पूजा मना रहे हैं, और लोगों के और कहीं दूसरे जगह के पूजे से यहाँ का पूजा में अंतर ये है कि यहाँ बहुत ही निष्ठा से और समय के अनुसार कोई भी पूजा का जो ये है पुष्पांजलि बलिदान सब कुछ समय से निर्धारित समय दिया हुआ है, उसी समय से शुरू होता है। मेरे यहाँ बलिदान होता है, सुबह में भोग प्रसाद होता है, दोपहर में अन्नभोग दिया जाता है, शाम में संध्यारति होता है, और हमारे यहाँ ढाक जो हम लोग बंगाल से मंगाते हैं, प्रतिमा भी बंगाल के कारीगर आके यहाँ बनाते हैं,
और हम लोग के यहाँ मेला लगता है हाँ। और महत्वपूर्ण त्यौहार होता है बंगाली समुदाय के लिए, बंगाली समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है ये दुर्गा पूजा। बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, साल भर से हम लोग का इस दिन के लिए इंतजार रहता है। और हम लोग यहाँ सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं ये चार दिन का पूजा हम लोग ये करते हैं। हालांकि षष्ठी से ही इसका ये शुरुआत होता है, आज भी शाम में षष्ठी के ये में कल्चरल प्रोग्राम वगैरह का आयोजन किया गया है, जिसमें महिला हमारे महिला विंग के द्वारा महिला समिति के द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा और ये चारों दिन मेरा इस तरह का त्यौहार चलेगा। आमतौर पर दूसरी जगह पर षष्ठी को माँ का पट खोला जाता है, आपकी पूजा में षष्ठी को खोली जाती है, क्या उसकी? हम लोग चार दिन का मनाते हैं, सब षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी, दशहरा के दिन दसवीं के दिन वो कोई भी दिन हो, जैसे मंगलवार हो बृहस्पतिवार हो, उस दिन को कोई ये नहीं है। हमारा दसवीं जैसे 24 तारीख को विजयादशमी है तो उसी दिन विसर्जन जाना है, हमारे यहाँ खाराघाट नदी में गंडक नदी में उसका विसर्जन होता है। हम सभी जी सिंदूर खेला होता है, सिंदूर खेला होता है, सिंदूर खेला होता है। इस बार विशेष आकर्षण है माँ का जो सज्जा आप देख रहे हैं सामने, ये 16 का सज्जा बोलते हैं हैं, 16 के ये से वो साज बनता है और ये भी कलकत्ता से ही आता है। मेरा हम इस बार समिति के अध्यक्ष हैं। बंगाली समुदाय का सबसे पुराना पूजा है यहाँ का, ये 122 ईयर्स का पूजा है आज इस बार। और आज षष्ठी पूजा में हम लोग मतलब अधिवास और बोधन पूजा करके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जो अभी संध्या बेला में पुरोहित पूजा करके उन्होंने अधिवास और बेलपत्र दे के उनका बोधन किया है। अब यहाँ पे कलश स्थापना होगी और उनका पूजन आरंभ होगा षष्ठी पूजा से और लगातार विजयदशमी तक चलेगा। विजयदशमी के दिन हम लोग का विसर्जन होता है, इसके पहले वरण होता है और सिंदूर खेला होता है। औरतें जो शादी सुना है वो माँ को सिंदूर लगा के अपने आपस में सिंदूर खेलती हैं, उसके बाद विसर्जन होता है।